मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में विगत दिनों नाली में गिरकर हुई दो युवकों की मौत के बाद मृतक युवकों के परिजनों में असंतोष व्याप्त है। सदर निवासी मृतक युवक जतिन खत्री के पिता ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मथुरा जिला प्रशासन को दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनके परिवार को मदद मिले। परिजनों ने सरकार से 30-30 लाख रुपए मृतक युवकों के परिवार के लिए आर्थिक धनराशि देने और परिवार में से एक व्यक्ति की नौकरी देने की मांग की है। मथुरा जिलाधिकारी जी को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जनपद मथुरा और उनके जिलाध्यक्ष रमेश सैनी जी के नेतृत्व में ये जो ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन में अभी तत्कालीन जो दिवस चले गए हमारे गत दिवस 15 जून को दो युवक होनार जो अपने परिवार के जिम्मेवार युवक थे जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, वो नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण खुले नालों में जब बारिश हुई तो ना तो नाले का पता चला ना सड़क का पता चला और वो काल के गाल में समा गए। एक निर्दोष लोग मतलब काल के गाल में नगर पालिका की नगर नियुक्त नगर 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 निगम प्रशासन के कर्मचारियों सफाई कर्मियों दोषी अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही घोर लापरवाही के कारण और इसके खिलाफ हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा 17 जून को हमने नगर आयुक्त के कार्यालय पर जाकर के एक ज्ञापन दिया था। इस पर कुछ कार्रवाई की गई उन लोगों ने, लेकिन आहत परिवारों के लिए कोई कार्रवाई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए आज हम जिलाधिकारी जी के यहाँ आए। हम ये चाहते हैं कि एक जो आबिद है और जो जतिन खत्री के परिवार के लोग हैं उनके परिवारों को एक सरकारी नौकरी पक्की नौकरी हो और उनको 30-30 लाख रुपए का मुआवजा हो और जो दोषी नगर आयुक्त हैं मथुरा में उनके जो कर्मचारी हैं और जो मेयर हैं उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत हो। मृतक युवक जतिन खत्री के पिता ने कहा कि उनके बेटे की मौत के बाद परिवार के पालन पोषण का अब कोई अन्य माध्यम नहीं है। इस संबंध में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले आए लोगों ने मृतक युवकों के परिवार के लोगों को मुआवजा देने और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। इससे पहले भी हमने इनको एक अर्जी दी थी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस संबंध में आए हैं सर कि दिनांक 15/6 किसको कैलाश नगर स्थित खुले हुए नाले जिसके ढक्कन में स्लैब हटाए गए थे और नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण हमारे दो बच्चों की मृत्यु उसमें डूब जाने के कारण हो गई थी, जिसमें नगर निगम दोषी है, नगर निगम के कर्मचारी दोषी हैं और वो अपनी कोई भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साहब हमने इनको लिख के भी दिया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को भी दी थी हमने एप्लीकेशन, तो योगी जी के लिए ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे साहब और हमारी इसमें मांगे कि हमारे इसके जतिन के बड़े भाई को पक्की सरकारी नौकरी और 30 लाख रुपए मुआवजा हमें सरकार से दिलाया जाए और यदि सीधा कैसा नहीं होता है तो हम मैं अपने परिवार को लेकर के मैं अपने जिला मुख्यालय कार्यालय पर धरने पर बैठ जाऊँगा साहब।